खबर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है, जहां थाना कुतुब शेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक, 1 एक्टिवा स्कूटी और 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि आरोपी इकराम उर्फ काला निवासी गांव बेलड़ा थाना नांगल मुंदजीर और आरिफ निवासी गांव होजखेड़ी को अंबाला रोड से गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा से चोरी की गई 8 बाइक, 1 एक्टिवा स्कूटर और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। आरोपी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वाहन चोरी करते थे, फिर इन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाते थे और बाद में बेच देते थे। आरोपियों ने जनपद के कई इलाकों से भी वाहन चोरी किए हैं, जिनके स्वामियों की तलाश की जा रही है। थाना कुतुब शहर में ये वाहन चोरों का गैंग पुलिस ने पकड़ा है। इसमें जो गैंग है उसके 3 सदस्य पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किए हैं और इनके कब्जे से पुलिस ने 9 वाहन बरामद किए हैं। ये 9 में से 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी है और इनमें से 5 वाहन ऐसे हैं जिनके पूर्व के चोरी के मुकदमे पुलिस ने अभी तक जानकारी कर ली है। 4 मुकदमे जनपद सहारनपुर के हैं, 1 यमुनानगर का है और इसमें आगे इनके सदस्य जो अन्य सदस्य हैं उनकी जानकारी कर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। फिलहाल इनको चोरी और 420 के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, चोरी कैसे करते थे लोग और इतने जो वाहन हैं वो वाहन बरामद हुए हैं, कहाँ पर इनको स्टॉक करते थे, क्या बेचते भी थे इनको? जी, ये वाहन जो चुराते थे ये पुरानी चाबी एक इस्तेमाल करते थे और वाहनों में पुरानी चाबी लगाकर इसको चोरी करते थे। खास करके ये वाहन वहाँ से चुराते थे जहाँ पर कि बाजारों में ज़्यादा भीड़ हो और कई वाहन खड़े हों, उनमें से 1-2 वाहन ये वहाँ से चुरा लेते थे और चुराने के पश्चात ये इसको अलग अलग जगहों में, खेत में या जंगल में या अपने परिचित के यहाँ पे अपने घर पे ये छुपाते थे और उनको कह देते थे कि ये वाहन जो है ख़राब हो गया है और वापस आके 2-4 दिनों में इसे ले जाएंगे। तब तक ये आगे अपने ग्राहक ढूंढ कर उन्हें बेचा करते थे और उस पर नया नंबर डलवा के उसे चलाया करते थे।